आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के अलावा शपथ लेने वाले 28 नए मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। इसी के बीच आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने विभागों के बंटवारे में वरिष्ठ नेताओं के अनुभव को ध्यान में रखा, लेकिन 9 विभागों के साथ साफ कर दिया कि डॉक्टर मोहन यादव ये प्रदेश में सबसे ताकतवर रहेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस महकमे सहित 9 और विभागों का जिम्मा संभालेंगे, जिनमें सामान्य प्रशासन, जेल, औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन जैसे प्रमुख विभाग शामिल है। साथ ही जनसंपर्क, विमानन, खनिज संसाधन जैसे विभाग भी उनके पास ही रहेंगे। हालांकि मोहन यादव समेत इन 7 चेहरों के पास 70% से ज्यादा का बजट भी होगा। ये 7 चेहरे मोहन कैबिनेट के सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। इसी के बीच आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री का चयन, फिर मंत्रियों की सूची और अब विभागों का बंटवारा, यह बताता है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश मान लिया है। राज्य के ज्यादातर विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन आएंगे। जनता के बीच से चुनकर आए बड़े नेताओं को सिर्फ नाम पत्र के विभाग दिए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो है यहाँ पर सीएम बने हैं, उसके बाद से राजनीति और ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान नाराज है, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नाराज है। विभागों के बंटवारे से ये साफ है कि मोहन यादव के मंत्रिमंडल में ऐसा कोई नहीं जिसे स्पष्ट रूप से नंबर 2 कहा जा सके। उन्होंने वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों को कुछ महत्वपूर्ण विभाग देकर एक संतुलन बनाने का काम भी किया है। विभागों के बंटवारे में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। कुल मिलाकर पड़ोसी उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले पर काम हुआ है। शिवराज सरकार के 2 पावरफुल मंत्रियों को भी कतरे गए हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से यहाँ पर साइड कर दिया, उसको देखकर यहाँ ये कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले समय में, या यूं कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले, एक बड़ा कदम उठाते जरूर नजर आएंगे। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।